23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ में नेहा। पटना में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होनी तय हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23 जून को अब यह बैठक होनी है। इससे पहले बैठक 12 जून की तिथि तय की गई थी, लेकिन अब यह 23 जून को होगी। इसमें उन सभी बड़े नेताओं के आने की उम्मीद है जिनके नहीं आने के कारण 12 जून की बैठक रद्द हुई थी। इस संबंध में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मीडिया को बताया कि अब राहुल गांधी के आने का कंफर्मेशन मिल गया है। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे भी इस बैठक में कांग्रेस की ओर से शामिल होंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन भी इस बैठक में शामिल होंगे। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वीकृति दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने सहमति दी है। एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने सहमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय श्री स्टालिन साहब ने सहमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है। सीपीआई के सचिव श्री डी राजा साहब ने सहमति दी है। सीपीएम के सचिव श्री सीताराम येचुरी साहब ने सहमति दी है और माले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, इन्होंने सहमति दे दी है। लेफ्ट के नेता भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहले ही हामी भर चुके हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें इस बैठक में बुलाने से नीतीश कुमार फेल कर गए हैं। इस बैठक में उन सभी नेताओं को बुलाया गया है जो भाजपा के खिलाफ है, लेकिन एनडीए से बाहर रहने के बाद भी मायावती, नवीन पटनायक, केसी राव, जगमोहन रेड्डी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल भी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। ऐसे और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें इनसाइडर लाइव और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें।